बोलिए ध्रुव रायजादा, क्या आपकी पत्नी वाकई में पागल है? अंतरिक्ष रायजादा पे जो उसने इल्जाम लगाया है, क्या वो झूठा और बेबुनियाद है? नहीं, 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 नहीं। वेदिका ने जो भी कहा है वो माँ क्या हुआ माँ माँ अगर डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर योर ऑनर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू गिव द न्यू डेट फॉर फर्दर हियरिंग्स प्लीज। आज की कार्रवाई यहीं पर खत्म की जाती है और इस केस की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को की जाएगी। मिस्टर ध्रुव, क्या आपने अपनी पत्नी का साथ देने का मन बना लिया है? क्या आप ये सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके भाई ने बलात्कार किया? आज तो आप अदालत में अपनी पत्नी के पक्ष में बोलने वाले थे। जी, आपको कैसा लगता है? आपको अपने पति का साथ बहुत जरूरी है? अगर आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया तो भी आप अपने इस बयान पर कायम रहेंगी? आपको आपके सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। पर ऐसे अचानक दर्द साहब पहले तो कभी नहीं हुआ। अब एज हो गई है और कभी कभी टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, समय समय पर देते रहिए। आज तो मैंने ऐन मौके पर बात को हाथ से निकलने से संभाल लिया, पर हर बार तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी ना। फिर जज जो फैसला सुनाएगा उसे मानना ही पड़ेगा। आज केस अंतरिक्ष के खिलाफ नहीं जा पाया, पर कल ध्रुव की जुबान पर सच्चाई आ गई तो मैं कैसे रोक पाऊंगी? ध्रुव ने अपनी जुबान खोल दी तो मम्मी जी ने बनती हुई बात बिगाड़ दी। निहारिका, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें माँ की तबीयत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिक्र है रुद्र, फिक्र है, और साथ में हैरानी भी। जिस केस को जीतने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, वेदिका, वेदिका अपने पूरे परिवार से अलग होकर हमारे लिए लड़ी। आरती ने जी जान लगा रखी और आज तो उसने ध्रुव को भी मजबूर कर दिया था हमारे पक्ष में गवाही देने के लिए। और मम्मी जी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ऐसा लग रहा है जैसे माँ हमारे खिलाफ है? अरे माँ भी तो ये चाहती है कि हम ये केस जीतें, पर हाँ, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो क्या कर सकती थी? थोड़ी सी
जितनी तकलीफ थी ना रुद्र, बर्दाश्त कर लेती। डॉक्टर ने भी तो यही कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द ही तो था ना, हमारे लिए सह लेती। तुम मेरी माँ की नियत पर शक कर रही हो। हाँ कर रही हूँ शक, कर रही हूँ मैं शक, और उनका हर कदम मुझे उन पर शक करने के लिए मजबूर करता है। अरे हमसे ज्यादा तो वो उस अंतरिक्ष का साथ देती है। पहले हमसे कहती है कि केस मत करो, फिर अंतरिक्ष के लॉयर को मोटी रकम देती है, और हमसे कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि अंतरिक्ष केस हार जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई तो नहीं देता रूद। फिर इतनी मुश्किलों के बाद जब केस हमारे पक्ष में आता है, जब ध्रुव हमारे पक्ष में गवाही देने जाता है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जरा सोचो, सोचो ये सब क्या। मेरी पत्नी है इसलिए इतना सुन भी लिया। कोई और होता तो उसकी जान ले लेता मैं। तो ले लो जान मेरी, ले लो जान मेरी, मार डालो मुझे। वैसे भी तो एक जिंदा लाश बन के रह गई हूं मैं, थक गई हूं मैं ये अन्याय और अपमान सहते सहते, थक गई हूं। वैसे भी रूप मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हर मुश्किल में मैं अकेली पड़ जाती हूं। कोई बात नहीं, समझा लूंगी खुद को। जब मेरा कोई अपना है ही नहीं तो यूं जिल्लत भरी जिंदगी ही जीनी पड़ेगी मुझे। नहीं निहारिका, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, मानता हूं। माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाने से हमें इंसाफ मिलने में देर जरूर हुई है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये केस हम ही जीतेंगे। और अब अगर ध्रुव की जमीर ने उसे झंझोर दिया है, उसका उसका जमीर जाग गया है, तो आज नहीं तो कल गवाही हमारे पक्ष में ही देगा। अपने आप से ही तो घबराहट होती है रुद्र, और आने वाले कल से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मेरा दिल कह रहा है कि वो सब नाटक ही था। आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो मम्मी जी का अंतरिक्ष को बचाने का एक रास्ता था। बार बार ये शक क्यों घेर लेता है मुझे कि मम्मी जी जो कुछ भी कर रही हैं उसमें मेरी और रुद्र की भलाई कम और अंतरिक्ष की भलाई कहीं ज्यादा है। वो अंतरिक्ष के करीब जाने की, उसका दिल जीतने की इतनी कोशिशें क्यों करती रहती है। नहीं, 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 ये सब क्यों सोच रही हूँ। हो सकता है मम्मी जी की तबीयत वाकई बहुत खराब हो गई हो, मुझे जाकर देखना चाहिए। आज ध्रुव बहुत बेचैन है, आज वो घर भी नहीं आए।
काका से फोन करके कह दिया कि सीधा गेस्ट हाउस जाएंगे। आज अदालत में जो कुछ भी हुआ, आरती के सवाल जवाब, उन सब चीजों ने उन्हें बहुत दुखी किया है। मैं उनके सामने तक नहीं जाना चाहती। मुझे लग रहा है कि अगर मैं उनके सामने गई तो उनकी बेचैनियां, उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। रहने दो वेदिका, आज ध्रुव को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रहने दो उसे अकेला। Let him find his own answers. मैं जानती हूं अपने बेटे को, वो बहुत दिनों तक गलत का साथ नहीं दे सकता। तुम देख लेना, वो सही राह की तरफ अपने कदम मोड़ ही लेगा। लेकिन कब मम्मी जी? हम दोनों के बीच ये दूरियां, मुझे बहुत डर आ रही है मम्मी जी, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। मम्मी जी, ये नाराजगियां कब खत्म होंगी? नहीं ध्रुव, अब ये दूरियां मुझसे और सही नहीं जा रही। तुम्हारी ये नाराजगी मैं और नहीं सह सकती ध्रुव। मैं तुम्हें वहां अकेले रहने नहीं दूंगी। मैं अभी तुम्हारे पास तुमसे मिलने आ रही हूं। ठीक नहीं थी, इन्हें तो रेस्ट करना चाहिए। जाके देखना पड़ेगा। आपने मुझे बुलाया? कहिए क्या काम है? निहारिका को तुम्हें समझाना है कि वो अंतरिक्ष के विरुद्ध अपना केस वापस ले। आपका काम हो जाएगा, और इस काम को कैसे अंजाम देना है ये मैं बखूबी जानती हूँ। तुम्हारे किसी भी काम में कभी भी कोई भी गलती नहीं होती, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। बस इतना ध्यान रखना कि पंछी भी फंस जाए और किसी को शक भी ना हो। आप इत्मीनान रखिए, आपके काम को कैसे अंजाम देना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हें कहे गए हर काम को तुमने अच्छा अंजाम दिया है। पागलखाने में आग लगाना, माधव को पैसे देकर खरीदना और हमारे घर पर कड़ी नजर रखना, हर बात के लिए मैं तुम्हें शाबाशी देती हूँ। बस एक बार अंतरिक्ष का केस उसके हक में निपट जाए तो एक मोटी रकम तुम्हें इनाम के तौर पर मिल जाएगी। डर गई? लेकिन तुम यहां इस
काली अंधेरी रात में अकेली क्या कर रही हो वेदिका? आपकी करतूतों से पर्दाफाश होते हुए देख रही हूँ। इस काली अंधेरी रात में ही आपका असली चेहरा पहचान पाई हूँ मैं। शी, कितना गंदा खेल खेल रही है आप। सोचिए अगर रुद्र को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। आप माँ नहीं हो सकती, माँ के नाम पर कलंक है आप। तो तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ सुन लिया मैंने, सुन लिया कि पागल खाने में आग लगाने से लेकर मुझे लाली बनाए रखने में आप ही का हाथ था। और अब निहारिका को फंसाने जा रही है आप, अपनी बहू को? तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी वरना क्या करेंगी आप? कर क्या सकती है आप? इससे ज्यादा आप क्या करेंगी? मैं सबको सच्चाई बताऊंगी, चीख चीख के आपकी असलियत सबके सामने ले आऊंगी। जो करना है करके देख लीजिए। वेदिका रुक जाओ, बिल्कुल बहन की तरह हो सिद्धि, प्यार से समझाओ तो मानती ही नहीं। कहते हैं वेदिका कि इंसान की मौत जहां लिखी होती है ना वही होती है। अब देखो ना, इस सुनसान जगह पर इस काली रात में तुम अकेली यहां आई हो। बस अब एक काम करो, जिसे याद करना है याद करो, अपनी बहन को या सास को या फिर ध्रुव को।